अमेजॉन प्राइम सीरीज तांडव को लेकर देश भर में जो आपत्तिजनक उसके कंटेंट है उसको लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और आज जम्मू की सड़कों पर भी शिव सैनिकों का तांडव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे कि इस समय यहाँ पर जो जो शिव सैनिक हैं वो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार तांडव के पोस्टर जलाकर जो है यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जताया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से देश भर में एक कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने की बात कर कहीं ना कहीं तांडव के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वो विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं अपने आप में जिस तरह से आज़ादी के वक्त उसमें जो है शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सर ये बताइए आज सड़कों पर जिस तरह से तांडव होगा किस तरह से आप देखते हैं इसे? खुदा और भगवान तो एक ही है, किसी के मजहब के खिलाफ कोई बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा किसी के मजहब के। सर आज सड़कों पर शिव सैनिकों का तांडव देखने को मिल रहा है, वजह क्या है? ये भारत के अंदर तांडव कर दिया फिल्म ने, ये तांडव फिल्म हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही है और राष्ट्रवाद को लेकर के टुकड़े टुकड़े गैंग अपनी भाषा का प्रयोग और जैसे राष्ट्रपति भवन और बाकी सारी बातें की जा रही है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये जो तांडव पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो गया इस तांडव को देख करके तांडव फिल्म को बैन करना होगा। सीन हटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है, एक ही प्रश्न है, इन लोगों को पकड़ करके अंदर करो जिन लोगों ने धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास करा है, इसलिए इनको अंदर करो, इनको बैन करो और इन पर केस चलाओ। आपको लगता है एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? ये साजिश के तहत हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश है, रोज साजिश रचने का प्रयास तांडव के जो डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से की गई है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, ये देखिए मुसलमान साथ में है, ये कहता है कि अल्लाह और भगवान एक है और इस तरह की भावनाओं को उजागर करने का प्रयास करने वालों को पकड़ करके अंदर करना होगा, उन पर केस लगाना होगा और उनको अंदर करके ये बताना होगा हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही कोई दूसरे धर्म का अपमान भी कर सकेगा। राष्ट्रवाद के अंदर राष्ट्रवाद चलेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग चलने वाला नहीं है। इसलिए ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग ने ये भावना व्यक्त करी है, ये पिक्चर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग ने बनाई है और इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं सीन काट देंगे रात को, अब कटने वाला नहीं है। अब लोगों को ये विचार करना चाहिए, ये राष्ट्रवाद का अपमान करने वालों को ही अब किस तरह से उनकी विचारधारा को काट दिया जाए उसके विषय के अंदर। केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, केंद्र सरकार के व्यवस्था के अंदर यही व्यवस्था जो है उनको क्यों नहीं संज्ञान लेना चाहिए? वो क्या कर रहे हैं? श्रीमान जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनको संज्ञान लेकर के ये जो छोटे पर्दे के ऊपर सारी व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है इसको समाप्त करना। आपका क्या कहना सर, क्या बैन होना चाहिए जो ये मूवी आई है, फिल्म आई है जो? बिल्कुल जी, बैन लगना चाहिए, खुदा और भगवान एक ही है, जो भी किसी के मजहब के खिलाफ भी बोले गए चाहे मुसलमान के खिलाफ बोले चाहे हिंदू के खिलाफ बोले उनको सजा देना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई इसका कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छवि देखने को मिल रही है और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से तांडव मूवी में आपत्तिजनक शब्दों के साथ साथ आपत्तिजनक दृश्यों का भी जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है उसके खिलाफ केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ साथ में अब इस फिल्म में काट-छाट कर कोई भी जो है वो काम नहीं चलेगा। इस पूरी फिल्म या पूरी वेब सीरीज को जो है वो बैन करने की मांग चल रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है तांडव के खिलाफ जम्मू में भी बढ़ता जा रहा है। रमन सैनी, जम्मू लद्दाख विजन।